नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण से हमारे देश में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, जिसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ा है। इससे हमारा भारतीय रेलवे भी अछूता नहीं रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पश्चिम रेलवे मुख्यालय द्वारा रतलाम मंडल के कुछ प्रोजेक्ट्स को, जिनमें कि अधिक समय लग रहा है पूरा होने में तथा जिनको बनने में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने से अपने हाथ खींच लिए हैं, जिसमें से प्रमुख प्रोजेक्ट है 204 किलोमीटर लंबाई का इंदौर दाहोद वाया सरदारपुर झाबुआ रेल मार्ग। यह परियोजना वर्ष 2008 में स्वीकृत हुई थी तथा 8 फरवरी 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका भूमि पूजन किया था। तब उसकी लागत 1640 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब इसकी लागत करीब 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 700 करोड़ रुपए वर्तमान में विभिन्न कार्यों में खर्च हो चुके हैं, जिसमें से प्रमुख कार्य पीथमपुर और टीही के बीच सुरंग का कार्य है, जो कि करीब 2 से 3 वर्ष से चल रहा है तथा इस वर्ष लॉकडाउन के पूर्व यह कार्य रोक दिया गया था तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद लॉकडाउन में भी इस कार्य को सीमित मजदूरों के साथ शुरू किया गया था। लेकिन अब जबकि मंडल मुख्यालय के द्वारा कार्य रोकने हेतु आदेश जारी हो चुके हैं, उस स्थिति में यह कार्य भी रुकना तय माना जा रहा है। लेकिन इन सब के पीछे केवल फंड की कमी या कोई दूसरा कारण नहीं है, सबसे प्रमुख कारण है जमीन अधिग्रहण का। वर्ष 2019 के अंत तक करीब 204 किलोमीटर में से 76 किलोमीटर क्षेत्र की ही जमीन का अधिग्रहण हो पाया था, इसलिए यह रेलवे के लिए वर्तमान में इसे जारी रखना थोड़ा टेढ़ी खीर है। हालांकि गुणावत तक अर्थवर्क का कार्य कंप्लीट हो चुका है, गुणावत के बाद धार तथा धार से सरदारपुर की ओर जब लाइन मुड़ेगी वहां पर भी कुछ जमीन अधिग्रहण का कार्य बाकी है। इससे जो भी काम अभी तक हो चुके थे बारिश में, उनमें पानी भरने के कारण उनके खराब होने की स्थिति निर्मित होगी। इस दिशा में रेलवे को कुछ सकारात्मक पहल करना चाहिए ताकि जो कार्य हो चुके हैं उनमें पैसे की बर्बादी ना हो। प्रशासन तथा रेल विभाग द्वारा कितनी लेत लाली इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जो कि करीब 90 के दशक के आसपास इसका सपना देखा गया था, के बाद इसको 2008 में स्वीकृति मिलने के 12 साल के बाद अभी तक जमीन अधिग्रहण पूरा ही नहीं हो पाया है, इससे रेल अधिकारियों तथा प्रशासन के बीच कितना तालमेल है यह साफ दिखाई दे रहा है तथा वे लोग कितने जिम्मेदारी से इस महत्वपूर्ण कार्य को ले रहे हैं यह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्षेत्र की जनता इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए देरी होने पर आंदोलन की राह भी अपना सकती है, इसके संकेत क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा दिए गए हैं। अभी कार्य पूरी तरह से रुक चुका है तथा रेल मंडल का फोकस केवल वे कार्य जिनमें पूर्णता आ चुकी है या केवल मामूली कार्य ही बचा हुआ है, वे ही कार्य करवाए जा रहे हैं। इसलिए इस रेल लाइन के कार्य का चालू होना अभी तो संभव नहीं नज़र आ रहा है तथा आने वाले समय में जो तैयारी संबंधित एजेंसी के द्वारा उक्त निर्माण कार्य के लिए की गई थी, वे सब रखरखाव ना होने के कारण खराब होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए यह रेलवे का एक तरफा निर्णय लोगों की समझ से परे है। अब देखने वाली बात यह होती है कि कितने समय के बाद रेलवे वापस इस प्रोजेक्ट का कार्य शुरू करेगा। इसका हमें सब्री से इंतज़ार रहेगा तथा हमें जैसी भी कोई अन्य अपडेट मिलती है हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।